हेलो एंड वेलकम टू एफ एफ हिंदी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सूरी का यूनिफॉर्म और टीयर थ्री रेडी है। सॉरी डिले हो गया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कल ही मैंने यूनिफॉर्म परचेस कर लिया था। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सूरी का कितना अच्छा ये यूनिफॉर्म है, इसको हम परचेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सपोर्ट के लिए है या फिर डैमेज भी दे रही है, कुछ खास है इसमें। सबसे पहले मैं आपको इसका बिल्ड दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 32,000 का फिजिकल अटैक है और उसके बाद में 43,000 का एचपी है। बाकी क्या इसमें कैरेक्टर्स गियर्स में आप देख लो, उरुज ये ओडिन ब्लेस ने एक आधा ऐसे छूट छूट करके दे दिया है। और जो स्किल जरूरत वाले हैं इसको हमने 6 कर लिया, लेवल 6 पे कर लिया। टाइप देख सकते हो रैंक 5 है, आइसोएट स्टेज 6 पे है और आर्टिफैक्ट ऐसे ही हवा में दे दिया एक, ठीक है। और सीटीपी के जगह पे हमने सीटीपी ऑफ एनर्जी दिया है। यस प्रॉक फ्रेंडली है, सुपर प्रॉक फ्रेंडली। और इसके पास इसके स्किल में सॉरी इसके 4 स्टार पैसिव में चैनी डैमेज भी है 15% का, तो एनर्जी के साथ में मिलके ये हो जाएगा 40% का चैनी डैमेज। और काफी अच्छा इसका स्किल रोटेशन है, अभी मैं आपको इसकी रोटेशन भी बताऊंगा। चलो मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ, ओल्ड बॉस में लेके चलता हूँ। पहले तो आप मेरा कार्ड देख लो, ये मेरा मेन अकाउंट का कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हो ये कार्ड इफेक्ट है। तो अब मैं आपको ओल्ड बॉस लेजेंड में लेके चलता हूँ और मैं इसका डैमेज दिखाता हूँ। भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, जितना भी मैंने प्ले किया ना मजा आ गया एकदम से, तबाही तबाही तबाही। मतलब ये यूनिफॉर्म मस्ट बाय यूनिफॉर्म है, चाहे आपके पास सूरी का पिछला वाला यूनिफॉर्म हो तो भी आप इसको यूनिफॉर्म को परचेस कर सकते हो। या तो अभी करो या फिर ब्लैक फ्राइडे में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब जरूरत है तो कर लो, अगर मिस मार्बल नहीं है, ठीक है। अगर मिस मार्बल नहीं है आपके पास तो अभी के अभी इस यूनिफॉर्म को परचेस कर लो इसी सेल में, ब्लैक फ्राइडे वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी टीम लगा हुआ है, मैं काफी खेल चुका हूँ इसको। और हाँ यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे होगे कि व्हाइट फॉक्स को भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा, क्योंकि सूरी के पास लीडरशिप एबिलिटी है तो व्हाइट फॉक्स का भी सपोर्ट आप दे सकते हो, मतलब डबल सपोर्ट और माया का लीडरशिप भाई साहब। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सूरी का डैमेज। यस मैंने जितना भी प्ले किया है मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एबीएल देखना है, इसके बाद में मैं फाइनल डिसाइड कर दूंगा कि कौन बेटर है, सूरी या मिस मार्वल। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, सिर्फ एबीएल चेक करना है, बाकी आप देखो यहाँ पे डैमेज सूरी का, फिर आप अंदाजा लगाना कि मेरी मिस मार्वल कितनी पावरफुल है और सूरी कैसी है। और स्किल रोटेशन, भाई स्किल रोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्किल रोटेशन देख लो, 5 डिले 4 3 6, ये हो गया टीयर 3 का रोटेशन, जो कि काफी अच्छा प्रॉक फ्रेंडली कैरेक्टर है और मस्त प्रॉक आता है। अब नॉर्मल रोटेशन 5 4 3, उसके बाद में 3 पे प्रॉक लाना है और इसके बाद में 1 2 करना है। 2 स्किल में एफ्रेम है, थोड़ा खेल सकते हो, ठीक है। 5 एंड 3 6, देख रहे हो मस्त। मतलब इससे मिस मार्बल से ज्यादा प्रॉक फ्रेंडली है, सीधा बताऊं तो, अगर अभी कंपैरिजन चल रहा समझ लो, तो बातों से कंपैरिजन कर रहा हूं अभी, तो मिस मार्बल से ज्यादा प्रॉक फ्रेंडली है। इसको एनर्जी के साथ में अच्छे से खेल सकते हो, लेकिन मिस मार्बल को खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी मिस हो जाता है उसका प्रॉक। ओके यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट भी नहीं लगा है और इसका शील्ड ब्रेक हो गया, स्टेज 24 13% पियर्स। एंड ये देखो डैमेज टीयर 3 का डैमेज, देख रहे हो। ओ भाई साहब कैसे बता, कैसे बोलोगे आपकी, मतलब मिस मार्बल अगर आप समझ रहे थे अभी तक अगर आपको लग रहा था कि हाँ टीयर 3 में सबसे बेस्ट मिस मार्बल है जो कि डैमेज के हिसाब से, तो भाई मिस मार्बल को भूल जाओ, न्यू बेबी सूरी झेर। अब देखो इसका डैमेज, इसका कमाल, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं गेम प्ले पे फोकस करता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब गड़बड़ का मतलब ये है कि प्रॉक फ्रेंडली है तो सही, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ तो हो ही जाएगा ना, काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ और वीडियो लाइव, मतलब ये रिकॉर्डिंग समझ लो लाइव हो रही है, एक भी कट नहीं लगेंगे और ना ही एडिटिंग, बस सीधा सीधा वॉइस का जो करना होगा नीचे ऊपर वही करेंगे, वीडियो में नो एडिटिंग। ओके एंड, अरे बस 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 बस, प्रॉक देखो आ गया। ओके तो यहाँ पे लगभग 2 मिनट 10 सेकंड लगे हैं और ये फर्स्ट फेज क्लियर हो गया है। आपको लग रहा होगा कि यार ये स्टेज 24 2 मिनट में कर रहा है, कार्ड देख लेना भाई साहब, मेरा कार्ड देख लेना, ठीक है। इस कार्ड के हिसाब से देखो,
यही मैं बात कर रहा था भाई, प्रोक मिस हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा बोलता चला गया तो। ओके गाइस, तो थोड़ा सा रोटेशन मैनेज करते हैं। 5 एंड 4 3 आ गया फिर से प्रॉक एंड 1 2, ठीक है इस बार। ओके ये थोड़ा सा भागते हैं यहाँ पे, फोकस करने दो, फिर मैं बाद में लेक्चर दूंगा, अभी थोड़ा खेलने दे दो, गेम प्ले कर लेने दो। एंड टीयर 3 एंड ये देखो डैमेज, अगर इसका थोड़ा सा एक्युमुलेशन ज़्यादा होता, मतलब 0.7% बहुत है भाई इस हिसाब से, जिस हिसाब से इसका डैमेज हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आजकल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और डिले भी हो जा रहा है, तो थोड़ा सा सब्र संतोष से काम करो गाइज। देख रहे हो फ्रॉक आ रहा है मस्त, और पैंथर का डैमेज काफ़ी तगड़ा है, मस्त डैमेज हो रहा है भाई साहब। ओ कटसीन, ठीक है ओके। तो अपना यहाँ पे 5 स्किल यूज हो गया था, थोड़ा सा घूम लेते हैं। जरा सा झूम लूँ मैं, अरे ना रे बाबा ना, जरा सा घूम लूँ मैं। ओके एंड ये हो गया थर्ड स्किल पे प्रॉक। बूम 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 बूम, 1 मिनट बचे हैं अभी, पूरे के पूरे 1 मिनट। भाई साहब सही बताऊं, अगर आप सूरी का यूनिफॉर्म देखना चाहते थे, रिव्यू देखना चाहते थे, देखो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, घर पे और भी काम है, मेरे सब्सक्राइबर को पता है क्या काम है, तो इसी वीडियो में मैं फाइनल बता देता हूँ कि क्या लेना है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो अगर आपके पास मिस मार्बल नहीं है, अभी के अभी इसी सेल में परचेज कर लो इसको, ठीक है। और अगर आपके पास मिस मार्बल है तो ब्लैक फ्राइडे तक वेट कर सकते हो, बस ब्लैक फ्राइडे तक, ब्लैक फ्राइडे में लेना ही है। क्यों लेना है अब मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन तो आपने देख लिया, डैमेज, ठीक है इसका डैमेज काफी तगड़ा है, लाइक मिस मार्बल के लेवल का, मिस मार्बल सेकेंड पार्ट, ठीक है। और इसका जो टीयर 2 स्किल है ये वाला इफेक्ट, ये देखो भाई साहब इसका डैमेज तो अलग, ये सपोर्ट अलग देगी। इंक्रीज बेसिक डैमेज डेल टू सुपर विलेन बाय 55%, ये तो हो गया डैमेज। अब नीचे तो देखो, नीचे डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव फ्रॉम सुपर विलेन फिक्शन बाय 40%। कुछ समझ में आया नहीं आया? टाइमलाइन बैटल में इसको अगर लेके जाओगे ना सपोर्ट के तौर पे, तो समझ लो गौर क्या है, विलेन है, थेनोस क्या है, विलेन है, तो उनका डैमेज, एक तो डैमेज कम होगा वो, मतलब वो जो डैमेज देंगे वो आप पे कम अप्लाई होगा, 40% यहाँ पे डैमेज रिडक्शन हो गया, और आप जब उनको डैमेज दोगे 55% इंक्रीज करके दोगे, तो सूर्य को टाइमलाइन बेटर में भी सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा टाइमलाइन का टीम, ये देखो। मैंने सब कुछ कर लिया भाई, चेक वॉक कर लिया, देखो ये मेरे टाइमलाइन का टीम है, देख रहे हो, ये है मेरा टाइमलाइन बैटल का टीम। तो मतलब क्या ही, कितना ही तारीफ करूं मैं इसकी, आप समझ जाओ। चलो एक बार मैं और गेम प्ले करके दिखा देता हूं। हाँ तो नल को ही प्ले कर लेते हैं, अभी तक मैंने मेफिस्टो देखा, अब नल को प्ले कर लेते हैं। ओके स्टेज 9 सिर्फ अनलॉक है, चलो ठीक है स्टेज 9 पे मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ गेम प्ले। यहाँ पे देख सकते हो टास्क मास्टर लगा के मैंने खेला था, अब यहाँ पे ये लगा लेते हैं व्हाइट फॉक्स, और अब इसका देखते हैं कितना डैमेज हो रहा है, कितना जल्दी ये क्लियर कर रही है, एक बार और देख लो, एक नज़र एक झलक और देख लो इसका डैमेज कितना है। अगर आपको चाहिए कंपैरिजन वीडियो तो बता देना, मैं मिस मार्बल से कंपैरिजन करके आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मैं हो सकता है कि बना भी दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हूँ यार, एक तो तबीयत भी ख़राब है ऊपर से, बता नहीं क्या यार, क्या ही बताऊँ भाई, ग्रह लग गया। ठीक है ये देखो गाइस, डैमेज 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 डैमेज, येलो का डैमेज एंड क्वाप स्किल। ओके क्वाप से थोड़ा लगता है गड़बड़ हो गया, पहले हमने यूज कर लिया क्वाप, अरे ये फिर से आ रहा है। ठीक है ओके, ओ हो, अरे नहीं यार मजाक मत करो यार नल भाई। ओके एंड ये देखो डैमेज टीयर 3 स्किल का, बूम 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 सकल का बूम, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड में हो जाता है, ठीक है अभी थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि वो फंस गए थे हम, रसिया गुंडों में फंस गई थी भाई। ओके सर्वाइबिलिटी देख रहे हो, एचपी मतलब सब वो है, मतलब स्पीड टाइप है, फिर भी इसकी सर्वाइबिलिटी देखो गाइस,
काफ़ी कम है एचपी, लेकिन ये जो डैमेज रिडक्शन है ना 40% का, ये हेल्प कर रहा है इसको सर्वाइव करने में, और रिकवरी भी है इसके पास, तो मस्त काम हो रहा है, मस्त काम हो रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त काम हो रहा है। एंड ये देखो बूम 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 सबका लक्का बूम, अरे क्या हो गया सॉरी सॉरी प्रॉक, यहाँ पे मेरा रोटेशन गड़बड़ हो गया है। अरे दो दो प्रॉक किधर से आ रहे हैं भाई? अच्छा वाइट फॉक्स का एक है एक वो है, चलो देखना पड़ेगा कौन सा वाला सीटीपी एनर्जी, अच्छा ये वाला एनर्जी का है, ये वाला, ये भूल जाता हूँ यार, आदत नहीं है ना। अभी तो आई है यार सूरी, अभी तो आई है भाई, थोड़ा सा इसका गेम प्ले करने तो दो, थोड़ा सा इसका मतलब प्ले स्टाइल समझने तो दो, हैबिट तो होने दो, फिर देखना गाइस इसके गेम प्ले में मज़ा कितना आएगा। सकलक बूम 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 एंड 5 4 3, यहाँ पे भी मार सकते हैं, देख रहे हो यहाँ पे भी मार सकते हैं, इनविंसिबिलिटी, पावर ऑफ इनविंसिबिलिटी, तो देख लिया काफ़ी तगड़ा डैमेज है, बहुत ही अमेजिंग डैमेज है। मैं देखो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, गले में दर्द होने लगा अभी इतने देर तक बोला, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है मिस सूरी को क्या करना है, यूनिफॉर्म लेना है या नहीं लेना है। भाई साहब मैं बहुत संतुष्ट हूँ सूरी से, बाकी कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता। मैंने देखो इस अकाउंट में भी सूरी ले लिया है, मैंने नए अकाउंट में भी सूरी परचेस कर लिया है अभी के अभी। भाई साहब मुझे नहीं इंतज़ार करना है, मुझे इंजॉय करना है गेम को, बाकी आप इंतज़ार करो या फिर इंजॉय करो, आपकी मर्जी, आपका क्रिस्टल, आपका गेम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।